Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs. Guys, Amazon पे चल रहा है Great Republic Day Sale और आज के वीडियो में हम इसी सेल के बारे में बात करेंगे. आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने 7 रिकमेंडेशंस जिसको मैं ढूंढ के बहुत रिसर्च करके लेके आया हूँ सिर्फ अपनी पब्लिक के लिए. तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा. साथ ही आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप जब शॉपिंग करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी. मजा आने वाला है बहुत ज्यादा. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वीडियो स्टार्ट करें. उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, हम बनाते हैं फैशन, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिटनेस, न्यूट्रिशन, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस, इनमें से कोई भी जॉनराज अगर आपको पसंद है फटाक से सब्सक्राइब करके वो घंटा दबा दीजिए. बाकी इंस्टाग्राम पे भी हैं. इंस्टाग्राम पे अगर आपको डेली फैशन पोस्ट देखनी है या मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरी पहली रिकमेंडेशन है जिम डफल बैग्स के लिए. अगर अभी तक आपने किसी भी कारणवश एक डफल बैग नहीं खरीदा था, दिस इज द राइट टाइम. सेल चल रही है. साथ ही साथ अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा. देरी किस बात की है, जाइए जाके एक डफल बैग अगर खरीदना है तो खरीद लीजिए. अभी दो ब्रांड है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ. पहला है फॉरजेडन, जिसका मेरे पास एक डफल बैग है. आपने बहुत सारी मेरी ट्रैवल वीडियोस में और मेरे जिम वाली वीडियोस में उस बैग को देखा होगा. दूसरा है एफ गियर ब्रांड. इन दोनों के डफल बैग आपको 350 से 500 के बीच में काफ़ी वेराइटी देखने को मिल जाएंगे. अभी कितने लीटर का लेना है, मिनिमम 30-31 लीटर का आपका डफल बैग होना चाहिए. उससे ऊपर फिर आप पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका बैग होना चाहिए, बट मिनिमम 30-31 लीटर का वो जिम बैग होना चाहिए. मेरी दूसरी रिकमेंडेशन है वॉलेट्स के लिए. अभी बहुत से लोगों को देखा है जो वही वॉलेट लेके घूम रहे होते हैं. वॉलेट फटा चिथड़ा होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है. गाइज, एक अच्छे वॉलेट में इन्वेस्ट कर लीजिए. 500 के रेंज में आपको मिनिमम 15 से 20 ब्रांड के वॉलेट्स अमेजोन पर देखने को मिल जाएंगे. बाकी आप समझदार हैं. अभी एक बहुत सही चीज़ बताने जा रहा हूँ गाइस, मतलब सुन के मज़ा ही आ जाएगा. देखो, अमेजोन पे हमको ऑफर्स डिस्काउंट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ ही हमें मिल सकता है 7.5% का रिवॉर्ड, प्लस ₹50 का रिवॉर्ड, प्लस ₹25 का साइन अप बोनस अगर हमारे पास कैश करो है तो. अभी करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाओ, जाके कैश करो, ऐप को इंस्टॉल कर लो. और इंस्टॉल करने के बाद जब आप करेंगे साइन अप तो आपको मिलेगा ₹25 का साइन अप बोनस. अभी उसके बाद क्या करना है, आपको कैश करो ऐप को खोलना है और उसके अंदर अमेज़ॉन को सर्च करना है. अमेज़ॉन सर्च करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है. क्लिक करने पर आप देखेंगे वो ऑरेंज कलर का बटन, उसको दबा दीजिए. दबाने के बाद सीधे अमेज़ॉन वाली ऐप खुलेगी, उसमें जितनी भी शॉपिंग करनी है कर लीजिए. शॉपिंग करने के बाद 7.5% का जो रिवॉर्ड है, ₹50 का जो रिवॉर्ड है, आप देखेंगे आपके कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन में ऐड हो चुका होगा. सो ये सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करो और इस सेल पे पैसे बचाओ. करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां से जाइए और कैश करो को डाउनलोड कर लीजिए. मेरी थर्ड रिकमेंडेशन है अलेक्सा इको डॉट के लिए. अगर आप अलेक्सा इको डॉट का थर्ड जनरेशन लेते हैं वो आपको 2999 का पड़ जाएगा. जनरली वो 3499 का मिलता है. या आप अगर अलेक्सा इको डॉट का फोर्थ जनरेशन लेते हैं वो आपको 4000 का पड़ जाएगा. जनरली वो 4499 का पड़ता है. तो सीधा सीधा 500 का डिस्काउंट यहाँ पे है. और अगर आपके पास कार्ड है तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में मैं सब लिंक डाल दूंगा जितनी भी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ. द फोर्थ रिकमेंडेशन है वॉचेस की. गाइज, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे. अगर आपका बजट ₹500 के अंदर है तो वो वीडियो देख लीजिएगा. उसमें मैंने 10 ब्रांड बताए थे जिनके वॉच आपको 500 के अंदर मिल जाएंगे. सेल का टाइम चल रहा है, अगर बजट 500 के अंदर है तो वो वीडियो देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप स्मार्ट वॉच के शौकीन हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप स्मार्ट वॉच भी खरीद सकते हैं. उसके अलावा अगर आप फिटनेस बैंड के शौकीन हैं वो भी आप खरीद सकते हैं. 3 मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं. पहला है OnePlus का स्मार्ट फिटनेस बैंड जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 2499 का मिल रहा है. दूसरा है Redmi का स्मार्ट बैंड जो कि आपको 999 का मिल रहा है. तीसरा है मी का बैंड 5 जो कि आपको 2299 का पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक रहेंगे, अगर आपको खरीदना है जाके आप खरीद सकते हैं. मेरी फिफ्थ रिकमेंडेशन है स्नीकर्स के लिए गाइज. और अभी बहुत अच्छा मौका है स्नीकर में इन्वेस्ट करने का. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल
ओपिनियन है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन कह लीजिए, मेरा पर्सनल सजेशन कह लीजिए। अगर आप स्नीकर लेने जा रहे हैं अमेजोन पे, 1000 रुपये के बजट के अंदर वाले जो स्नीकर्स हैं, या आपका बजट 1000 रुपये के अंदर ही है, तो आप वो वाले स्नीकर्स ज़रूर देखिएगा। उस पर भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है। अभी कौन से ब्रांड के लेने हैं उन सभी पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल पे बना चुका हूँ, तो कोशिश करिएगा कि वो जाके देख लीजिएगा। स्नीकर्स अंदर 1000 पे भी वीडियो है, अगर आपका बजट 2000 के अंदर है तो उस पे भी चैनल पे वीडियो है, एक बार देख लीजिएगा। वहाँ के कोई ब्रांड आपको समझ आते हैं तो यहाँ से आप ले लीजिएगा। मेरी 6th रिकमेंडेशन है प्लेन सॉलिड टी शर्ट्स के लिए। ध्यान से सुनिएगा गाइज, मैं प्लेन सॉलिड टी शर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जिन पे कोई किसी प्रकार का ग्राफिक्स नहीं बना है, सिंगल कलर वाले, मतलब लाल, पीले, हरे, नीले, काले, इस टाइप के, इनको कहते हैं प्लेन सॉलिड टी शर्ट्स। इनमें किसी प्रकार की कोई भी कारीगरी नहीं होती है। इनमें इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अमेज़ॉन पे आपको कॉम्बो वाली ऑफर्स बहुत मिलते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 695 में 5 टी शर्टें मिलेंगी। पॉलिस्टर मटेरियल है उसका, जिम वालों के लिए बहुत सही होने वाली है। मेरी 7वीं और आखिरी रिकमेंडेशन है कैमरास को लेके। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे थे कैमरा लेने को, या आप सोच रहे हो, सेल से अच्छा कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। एंड गाइस, कैमरा लेने के बाद असली खर्चा शुरू होता है। अगर इसमें आपने मान के चलो 3000 रुपये भी बचा लिए, उस पैसे से आप मेमोरी कार्ड खरीद सकते हो, रिंग लाइट खरीद सकते हो, सॉफ्ट बॉक्स खरीद सकते हो, माइक खरीद सकते हो, इवन स्टैंड खरीद सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3.5 साल से कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे जितने भी क्लोज वंस हैं, मैं उनको यही राय देता हूँ कि सेल में अगर ख़रीद लिया तो मज़े में ज़िंदगी आपकी गुजरेगी। अभी मिररलेस कैमराज हैं, व्लॉगिंग कैमराज हैं, एक्शन कैमराज हैं, DSLR कैमराज हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेने वाले हो। अभी जितने यूट्यूबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं अपना सजेशन दे सकता हूँ, अगर आपको वो लेना है तो वेल एंड गुड है। अगर आप एक्शन कैमरा लेने जा रहे हो, इन्वेस्ट इन अ GoPro। अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, अगर आपका बजट है तो आप कर सकते हो। आई हैव GoPro हीरो 7 एंड ट्रस्ट मी गाइज, हीरो 7 में भी मजा आ रहा है। सो अगर आपका बजट हीरो 7 का है या हीरो 8 का है, आंख बंद करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा गाइज, ये जो मेरा DSLR है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, दिस इज कैनन 750D, बट ये अब मिलना बंद हो गया है। इसके नज़दीक जो आता है DSLR, दैट इज कैनन 80D, आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, दैट इज़ OnePlus 7। अगर आप मेरी राय लें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका फ़ोन से पूरा काम चलता है, या आप फ़ोन से ही कंटेंट बनाने की सोच रहे हो, और आपका बजट 30 से 40 के आसपास है, देन OnePlus इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा अगर आप व्लॉगिंग कैमरा लेने की सोच रहे हो, तो सबसे मिनिमम साइड में जो आता है, दैट इज़ कैनन का G7X Mark Series, G7X Mark II है, G7X Mark III है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा सोनी का एक अभी व्लॉगिंग कैमरा आया है, एक अभी आया है पैनासोनिक का व्लॉगिंग कैमरा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ऑल डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है। एंड आपको डिटेल में जानना है इन सब चीज़ों के बारे में, हमारी वेबसाइट है technoseekers.in, जिस पे हमने डिटेल्ड में रिसर्च्ड आर्टिकल डाले हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक छोड़ दूंगा, इन केस आपको पढ़ना हो तो आप जाके पढ़ सकते हैं। एंड विद दैट सेड गाइस, हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के एंड में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में क्या पसंद आया है और क्या क्या लेने वाले हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।